उदाहरण दो, प्रश्न, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न में हमें एक ऐसे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है। तो यहाँ वृत्त की परिधि बराबर 176 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का मान कितना होता है, 2πr। तो 2πr बराबर हो गया 176। तो चलिए हम पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान है 22/7 गुणित r बराबर यहाँ पर मिला 176। अब r का मान ज्ञात करना है हमें, तो r बराबर हो जाएगा 176 गुणित 7 और बटे में हमें प्राप्त होगा 2 गुणित 22। इसे हल करने के लिए हम 2 के पहाड़े से अगर इसे सॉल्व करें तो 2 एकम 2 और ये हो गया 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 यानी हमें यहाँ पर 88 प्राप्त हुआ। अब 22 से यदि हम इसे काटें तो 4 बार में हमें 88 प्राप्त हो जाएगा। तो 22 एकम 22, 22 चौक 88। यहाँ पर हमें बच रहा है 4 गुणित 7, तो r का मान होगा 7 चौक 28। त्रिज्या हमें मिल गई 28 सेंटीमीटर। तो अब हम अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr का वर्ग। पाई का मान रख दिया हमने 22/7 और त्रिज्या हमें प्राप्त हुई थी 28 सेंटीमीटर, तो 28 का वर्ग। इसे सरल करने के लिए हम 28 के वर्ग को लिखते हैं 28 गुणित 28। 7 से यदि हम इसे काटें 7 के पहाड़े से तो मिलेगा 7 एकम 7, 7 चौक 28। हम अब निकालते हैं 22 गुणित 4 और गुणित 28, जिसका मान हमें प्राप्त होगा 2464 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें चाहे गए वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 2464 वर्ग सेंटीमीटर।